नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी? मैं रविंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है भाई, इंडियन कोस्ट गार्ड ने जो है नाविक डीपीजीडी और यांत्रिक का एग्जाम जो है सक्सेसफुली कंडक्ट करा लिया है। और आप सभी को दोस्तों एग्जाम दिए हुए काफी टाइम हो चुका है, तो बहुत सारे कैंडिडेट का मेरे पास डाउट आ रहा है कि सर जो है इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक डीपीजीडी और यांत्रिक का जो रिजल्ट है वो कब आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको एक जो है ऑफिशियल जानकारी देने वाला हूँ दोस्तों की कि किस दिन आपको जो है इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक डीपीजीडी का रिजल्ट जो है देखने को मिलेगा। वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा दोस्तों, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के अंदर मिलेगी। सो यहाँ पर दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहता कि अगर आप इंडियन नेवी एमआर अग्निवीर या फिर अग्निवीर एसएसआर की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी हमारे जो है अग्निवीर के बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। डिफेंस शिक्षा ऐप पर जो है ये बैचेस हैं दोस्तों, कंप्लीट सिलेबस कवर करवाया गया है दोस्तों। यहां पे लेटेस्ट पैटर्न पर जो है क्लासेस बेस्ड है दोस्तों, यहाँ पे सारी ही व्हाइट बोर्ड वीडियोज आपको मिलेंगी। इसके साथ ही साथ आप जो है टेस्ट सीरीज भी परचेज कर सकते हो दोस्तों डिफेंस शिक्षा ऐप पर। डिफेंस शिक्षा ऐप का डायरेक्ट लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर पर सिंपल सर्च कीजिए डिफेंस शिक्षा, वहां से आपको डाउनलोड कीजिए, साइन इन कीजिए और यहाँ पर जितने भी बैचेज है दोस्तों उनको आप अवेल कर सकते हो। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट पर जो है लेकर चलता हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड ने जो है क्लियरली मेंशन कर रखा है कि आपका जो एग्जाम है दोस्तों, मान के चलो भाई हमारा जो एग्जाम है उसको अप्रोक्सीमेट दोस्तों यहाँ पे भाई 20 से 22 दिन जो है हो चुके हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आपका जो एग्जाम है वो विद इन 30 डेज जो है आ जाता है दोस्तों। तो आपका एग्जाम का जो रिजल्ट है दोस्तों वो कभी भी जारी हो सकता है। बाकी चांसेस है कि अगले वीक आपका जो है रिजल्ट यहाँ पे जारी हो जाए दोस्तों, क्योंकि जो स्टेज 2 है वो आपका जो है मीडिया एंड ऑफ जनवरी है। तो रिजल्ट आपको जो है दिसंबर के 3rd-4th वीक के अंदर जो है देखने को मिल जाएगा। मतलब आज से आपका रिजल्ट कल भी आ सकता है, एक वीक के बाद भी आ सकता है। मतलब दिसंबर के अंदर आपको 101% जो है रिजल्ट देखने को मिल जाएगा दोस्तों। इसके साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूँ भाई, जो कैंडिडेट जो है पीएफटी की प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि रिजल्ट आने के बाद करूंगा, तो भाई वो अभी से अवेयर हो जाओ। पीएफटी की जो है जो प्रिपरेशन है वो अपने साथ के साथ कर लो दोस्तों, क्योंकि देखो भाई आपकी जो प्रिपरेशन है ये काम जरूर आएगी। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे भाई पीएफटी मान लो अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाए और रिटर्न में आपने जो है मेरिट से भी ज्यादा स्कोर किया है तो कोई फायदा नहीं है। अगर आप पीएफटी फेल करते हो तो आपको सेकंड चांस नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर भाई पीएफटी भी अपना स्ट्रॉन्ग करना, और पीएफटी ऐसी चीज है दोस्तों की रात रात में आप उसको स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते हो। तो आप भाई अभी से अगर प्रिपरेशन करोगे पीएफटी की, हल्की फुल्की क्लीनिंग जो है स्टार्ट कर दोगे, तो डेफिनेटली आप पीएफटी को क्वालिफाई कर सकते हो। तो रिजल्ट यहाँ पे आपको फिर अगेन बताना चाहता हूं दोस्तों, 3rd-4th वीक ऑफ जो है दिसंबर जो है आ सकता है। ठीक है, 3rd वीक में मैक्सिमम चांसेस है, और आप सभी को पता है आने को कल दिया जाए, लेकिन चांसेस है कि आने वाले एक वीक के अंदर अंदर आपका जो है रिजल्ट यहां पे डिक्लेयर कर दिया जाएगा दोस्तों। इसके अलावा कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हो भाई। रिटर्न की कट ऑफ पर जो है एक अलग वीडियो मैं बना दूंगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया हुआ है, उसको आप जरूर से ज्वाइन कीजिएगा, और कोस्ट गार्ड का बैच भी अवेलेबल है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।